11 का आया, लेकिन उसके बाद बहुत ही इनकंसिस्टेंट बल्लेबाजी मुंबई हीरोज द्वारा। यहां एक और विकेट हो सकती है लूज, बट वाइल्ड थ्रो फ्रॉम एक्स्ट्रा कवर। दे रनिंग फॉर एवरीथिंग मुंबई हीरोज एंड दे नीड टू। 148 फॉर सिक्स अंतिम ओवर, अभी भी चार विकेटें हैं, तो चाहेंगे कि कम से कम ये बाकी पांच गेंदों का जरूर फायदा उठाएं, बट नहीं। इसी बीच पहले वापस देख लेते हैं कि अगर ये थ्रो सही रहती तो क्या वरुण बदोला वापस भाग रहे होते ड्रेसिंग रूम की तरफ या नहीं। अजय मेरा स्वागत है आपका। शुक्रिया अंजुम। लीजा हेडन भी जानती है और जानती है बाल बाल बचे, क्योंकि थ्रो थोड़ी बढ़िया होती कुछ भी हो सकता था। फिलहाल यहाँ पे चार रन मिलेंगे, काफी फाइन खेला है, जानबूझ के खेला है, क्योंकि बल्ले का मुंह खोला अंतिम क्षण पे और गेंद को मात्र ग्लाइड किया। चार महत्वपूर्ण रन मिलते हुए मुंबई हीरोज की टीम को 150 रन पूरे हुए, बहुत ही बढ़िया शॉट। और सबसे बढ़िया चीज है कि बेहतरीन संतुलन भी था शरीर का और जानबूझ के गैप में खेला मानुशली, जो कि अभी भी बैटिंग करने के लिए आए हैं। रन आ जाए मुंबई हीरोज के लिए इस ओवर में उतना बढ़िया। पुल करते हुए शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, खिलाड़ी टीम में तैनात। रांत ने भी आज काफी बेहतरीन गेंदबाजी की है। विष्णु की बात कर रहे थे, उनका स्पेल बहुत उम्दा गया, पर इन्होंने भी अब मात्र 19 रन ही खर्चे हैं और 100 हार्ट्स इनिशिएटिव बहुत ही बढ़िया। ये एक पहल है जहाँ पे 100 छोटे बच्चों का, जो कि अब बचपन से ही पीड़ित है एक दिल की बीमारी से, उनका इलाज होगा। और अब तो ऐसा लग रहा है कि भानुशाली चाह रहे हैं कि आप जहाँ भी गेंद हो बस बल्ला घुमाना है, और यही कारण कि आप इस गेंद को उन्होंने मिस किया कि वरुण बदोला अब स्ट्राइक पे है। तो आखिरी गेंद, मुझे ऐसा लग रहा है अंजुम कि कम से कम 20 या 25 रन का बनाया मुंबई हीरोज की टीम ने, विकेट को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए, आउटफील्ड को देखते हुए। इस बार उठा के खेला है, टाइमिंग सही नहीं, पर फिर भी यहाँ पे रन मिलेंगे, बढ़िया एफर्ट। और यहाँ पे थोड़ी सी बीच में टकराव हुई या फील्डर्स के, पर चार रन मिलते हुए वरुण बदोला को आखिरी गेंद पे। तो 20 ओवर की समाप्ति, ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी रिकवर करेंगे, कंधे पे ऐसा लग रहा है चोट आई है जब डाइव की थी अब अंत में शाम ने, दर्द महसूस करते हुए। पियर्सिंग द गैप था, लेकिन ओह बहुत ज्यादा जोर से लगती है, भाग्यशाली रहे कि एक दूसरे के चेहरे से और सिर पे नहीं टकराए, बट कितना डैमेज शाम ने अपने कंधे को किया है ये जरूर देखना रहेगा। आखिरी गेंद पर ऐसा कुछ हुआ। जी हाँ, वक्त हो चला है फॉर द कार्बन कमाल कैच। विद मी इज द ओपनिंग बैट्समैन फॉर द मुंबई हीरोज आफ्ताब शिवदासानी, नीड्स नो इंट्रोडक्शन व्हाटसोएवर। फर्स्टली आफ्ताब, व्हाट डू यू थिंक, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू गाइस हैव ओपनड, हैव बैटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कैसे क्या एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरे अपने? नहीं, हमारे लिए एक अच्छा मौका था, एक अच्छी एक्सपीरियंस थी कि हम लोग पहली बार इस टूर्नामेंट में ओपन बैटिंग करें पहले, बट आई मीन इट्स मोर ऑफ यू नो बोथ द टीम्स आर थ्रू टू द सेमीफाइनल्स, तो एक अच्छा प्रैक्टिस सा मिल जाता है हमें, एंड वी नो वेयर वी स्टैंड, सो वी जस्ट नॉट प्लेइंग विद एनी प्रेशर, एंड वी एक्चुअली हैवंट बीन प्लेइंग विद एनी प्रेशर इवन दो वी बीन चेसिंग इन द फर्स्ट टू गेम्स। लेकिन हम लोगों ने हमेशा यही कोशिश की थी कि हम लोग पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें, वी जस्ट ट्राई एंड प्ले टू विन एंड प्ले पॉजिटिव, दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट। दिस गेम इज प्रीटी इनकॉन्सिक्वेंशियल, क्योंकि दोनों चेन्नई के लिए और आपके लिए दोनों आपकी जो स्पॉट है सेमीफाइनल्स में फिक्स हो चुकी है, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ दिस गेम पर्टिकुलरली? I think both the teams to try and experiment a bit, and both the teams to try and play their best and try and beat each other. It's just that both of us would like a clean track record to go to the semi-finals of winning all the three games in the round robin. But again, whether we win or lose, we're still through, and so is Chennai. So, but I guess we just got to play for the experience and play for the fact that we're playing in Ahmedabad in our home ground. All the very best for the future games. For now, it's time for the Carbon Kamal catch. Very simple. Three fielders on the other side. Three balls right here. We're going to see which fielder is going to catch it the best. All right, let's go. Fielder number one, get ready. Brilliant. Very good. चलिए, फील्डर नंबर दो की बारी आ चुकी है, डिसाइड हो रहा है, लेट्स डू दिस, कम ऑन गाइस, आउट, ब्रिलियंट, एंड लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट, लेट्स डू दिस।
Come on, let's make this. Oh, all right. Unfortunately, the third guy didn't manage to get it, but thank you so very much, Aftab, for joining us. For now, it's over to you guys. Yeah, that's pretty. This was the first one. I think Aftab got a bit bogged down. And it was clever bowling, bringing the wicketkeeper up. Didn't see many loose deliveries, which is a sign of Chennai team. And look at that catch. It was one of the most wonderful catches I've seen in a long time. And disciplined bowling. You know, the wicketkeeper standing up, putting pressure on the batsman. Lagatar pressure banake rakha. Chennai were on a roll at this point. Shabir Ahluwalia hit a big one. Yeah. And that's his role in the team. But this one kept slightly low. So I'm not even sure there's such a good wicket. This was perfect. Tossed up, pitched and turned. Apoorva Lakhia, the koshish badi ki wapis aane ki. This was a soft one. So at this point, these are super fours. They're pretty compact at this point. You know, they were trying to keep it down. See, everything played down. Initially, you don't want to lose wickets. But you've got to encash the power plays also, because only two players are outside the circle. But this was a fantastic shot by Saqib Saleem. Just timing is paramount in the game of cricket. Strength will get you to a point, but timing will get you everything. This is raw power. This was effortless. You get to the right spot. Overo ke upar darmadar zarur rahega. Bobby Deol, Mumbai Heroes ke kaptan, gendbazi ki shuruaat karenge. Parle 2020 rookies ense aur packed CCL itself. Triple X Energy Drink CCL powered by Parle 2020. Chennai Rhinos ke paas ek aasan target. 158 to get in the allotted 20 overs. So game on here. Stop delivery. Saaf taur pe. Good bowling. Come on. Ke mode mein yahan par chahte hain ki kabhi bhi apna foot off the pedal bilkul nahi hatana chahenge. Yeah, thodi der pehle screen pe dekha tha Sonia Agarwal jo ki brand ambassador hai Chennai Rhinos ki. काफ़ी चिंतित नजर आती क्योंकि ये जानती होंगी कि स्टार्ट अच्छा ज़रूरी चाहिए चेन्नई राइनर्स को. हालांकि जैसे आपने बिल्कुल सही आंकलन किया अंजुम, आपको बहुत मुश्किल टारगेट नहीं है, पर विकेट हाथ में रखनी होंगी. काफ़ी सपोर्ट है दोनों टीमों के लिए, चेन्नई राइनर्स और मुंबई हीरोज़ के लिए. मुंबई हीरोज़ के लिए उमा खुरेशी भी यहाँ पर हैं, लीजा हिडन भी यहाँ पर हैं जो आपके स्क्रीन पर. फिलहाल उमा खुरेशी का ये भाई भी आप इस मुकाबले में भाग ले रहे हैं सलीम. हालांकि बल्ले से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, पर ये देखने का गेंद से क्या करते हैं ताकि सलीम तमन्ना. फिलहाल स्ट्राइक पे फुल टॉस घुमा के खेला है, मौका था मुश्किल पर चार रन मिलेंगे. स्क्वायर लेग फील्डर से गेंद ज़्यादा दूर नहीं, पर अब चौके के साथ शुरुआत की चेन्नई राइनर्स के बैट्समैन रमन्ना ने. कम से कम नहीं तो दो या तीन इंच और लंबा होना पड़ता पूर्व लाखिया को ये गेंद पकड़ने के लिए. बैट बॉल जरूर थी बट अगर यहां पकड़े जाते तो रमन्ना बिल्कुल भी खुश नहीं होते. बट फॉर्चुनेट रहे, T20 के मैच में आपको हर गेंद पे यू हैव टू मेक इट काउंट. जिस तरीके से भी रन आए रन आने चाहिए. इतना समय नहीं है आपके पास कि आप सोचें कि बैट के अंदरूनी किनारे से आए हैं या बाहरी किनारे से आए. जब तक रन आए, ओ देखिए कहते ही बाहरी किनारे से चार रन और बॉबी दियोल खुश साफ तौर पे नहीं होंगे क्योंकि ये विल डेफिनेटली गो डाउन एज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट चांस बट येट एन अपॉर्चुनिटी. और उनकी जो मुस्कान है सब कुछ वहां पे जाहिर कर रही है. बाहरी किनारा उमा कुरैशी भी आप उनकी प्रतिक्रिया देखिए, जानती है एक मौका हो सकता था पर ये पक्ष में गया है चेन्नई राइनर्स के. और पहली चार गेंदों में आठ रन आते हुए अगर ऐसी शुरुआत रही है दबाव जरूर बढ़ेगा मुंबई हीरोज के ऊपर, क्योंकि वो जानते हैं अगर इस टारगेट को अंजुम डिफेंड करना है तो कहने के विकेट्स लेने होंगे और जल्द से जल्द लेने होंगे. रमन्ना विक्रांत दोनों अच्छी फॉर्म में हैं. इस बार फिर से घुमा के खेला है, इस बार ऑन साइड पे पर मिसफील्ड.
इसके कारण 9 रन मिलेंगे। अब ये स्कोर अगर डिफेंड करना है फील्डिंग का स्तर तो उठाना ही होगा। बेझिझक कोई चीज नहीं जो आप यहाँ ढीला छोड़ सकते हैं, चाहे फील्डिंग हो चाहे गेंदबाजी हो। देखिए अगर आपने ये सोच लिया है कि ये मैच, चलिए कोई बात नहीं, हम सेमीफाइनल पहुंच चुके हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मैच का क्या निर्णय निकल कर आए, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप ये मैच जीतने की कोशिश करेंगे या एटलीस्ट इंटेंशन रखेंगे, क्योंकि याद रखिए आप सेमीफाइनल मुकाबले में कॉन्फिडेंस जीत से लेकर जाना चाहते हैं, हार से कॉन्फिडेंस लेके जाना किसी भी टीम को पसंद नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, शाफिक सलीम डीप में थे जहां पे डाइव लगाई और कम से कम 2 रन बचाए। पहले ओवर की समाप्ति 11 बिना किसी नुकसान के।